नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अपने नए साल की शुरुआत भारत पहले एक्सपो सेट के प्रक्षेपण से करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो ब्लैक होल जैसी खगोलीय रचनाओं के बारे में जानकारी जुटाएगा और उन रचनाओं के रहस्यों पर से पर्दा उठाएगा। इसरो द्वारा इस मिशन के लिए 25 घंटों की उल्टी गिनती कल रविवार सुबह 8:10 से ही शुरू कर दी गई थी। प्रक्षेपण आज सुबह 1 जनवरी 2024 को 9:10 पर चेन्नई से 135 किलोमीटर दूर मौजूद श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष अड्डे के प्रथम लॉन्च पैड से किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसरो के इस पहले एक्सपोसेट यानी एक्सरे पॉलरीमीटर उपग्रह को रॉकेट पॉलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV C-58 महज 21 मिनट में अंतरिक्ष में 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाएगा। बता दें कि इस रॉकेट का यह 60वां मिशन होगा। इस मिशन में एक्सपोसेट के साथ साथ 10 अन्य उपग्रह भी पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित होंगे। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बता दें कि यह राजनीति समारोह में शामिल होने के लिए भेजे जा रहे निमंत्रणों को लेकर हो रही है, क्योंकि कई राजनेताओं को समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, जबकि विपक्ष के कई नेताओं ने निमंत्रण न मिलने का आरोप लगाया है। अब ऐसे में विपक्ष का कहना है कि बीजेपी द्वारा धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है। वहीं इस बीच विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि अगर राजनीति होती तो विपक्षी नेताओं को निमंत्रण क्यों दिया जाता। उन्होंने दावा किया कि वह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण देने खुद गए थे, जबकि VHP के सदस्य अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण देने पहुंचे थे और नृपेंद्र मिश्रा ने सोनिया गांधी को निमंत्रण दिया। हमने बाकी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं को भी निमंत्रण दिया है। VHP अध्यक्ष ने कहा कि अगर विपक्ष के नेता आते हैं तो हम सम्मान के साथ उनका स्वागत करेंगे। यह पूरे देश का कार्यक्रम है और यहाँ सभी का स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल 10 दिन की विपश्यना से वापस दिल्ली लौट आए हैं और कल रविवार को उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और 12वीं राष्ट्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक के दौरान केजरीवाल ने कहा कि हमने जनता की भलाई के लिए जो रास्ता चुना है उस पर आगे बढ़ने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इन 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी 1,350 राजनीतिक दलों के बीच तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि अगर हम सफल नहीं होते और कुछ अच्छा नहीं करते तो हमारी पार्टी का कोई भी नेता जेल नहीं जाता और आज हर कोई अपने परिवार के साथ खुश होता। बता दें कि केजरीवाल की यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाला मामले में ED ने उन्हें 3 जनवरी को पेश होने के लिए समन जारी किया है। IIT BHU में 2 महीने पहले सामने आए यौन उत्पीड़न के एक मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों का संबंध BJP से बताया जा रहा है, जिसके बाद से ही विपक्ष लगातार BJP पर हमलावर है। वहीं अब BJP भी मामले को लेकर एक्शन मोड में आ गई है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक BJP ने आरोपियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। हालांकि BJP ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि आरोपी पार्टी में किस विंग और किस पोस्ट पर थे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी से जुड़े आरोपियों को BJP ने निष्कासित कर दिया है। इसके अलावा गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट के सामने पेश किया था, जहां कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने विदेशों में पिछले साल भारतीय दूतावासों पर हुए हमलों में शामिल 43 संदिग्धों की पहचान की है। बता दें कि ये हमले अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में स्थित भारतीय दूतावासों पर किए गए थे। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी ने क्राउडसोर्सिंग के इस्तेमाल से सभी संदिग्धों को तलाशा है। गौरतलब है कि NIA ने गृह मंत्रालय के आदेश के बाद साल 2023 के जून महीने में अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में भारतीय राजनयिकों पर हमले का मामला अपने हाथ में लिया था। राहुल गांधी को बड़ा नेता मत मानिए, मैं भी नहीं मानता। यह बात कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और पार्टी के पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने कही है। दरअसल मध्य प्रदेश में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब उनसे राहुल गांधी के एक बयान कि उन्हें TV पर कम दिखाया जाता है, इस पर सवाल पूछा गया तो लक्ष्मण सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष नहीं हैं, वह केवल सांसद हैं। इसके अलावा राहुल गांधी कुछ नहीं हैं। मीडिया के लोगों को राहुल गांधी को ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए और ना ही हमें ऐसा करना चाहिए। लक्ष्मण सिंह ने आगे कहा कि वह पार्टी के सभी नेताओं के बराबर हैं। कोई अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से बड़ा बनता है। राहुल गांधी को इतना बड़ा नेता मत मानिए,
मैं भी नहीं मानता वह केवल एक सांसद हैं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की दिलचस्पी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने मुर्शिदाबाद जिले में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री खुद पश्चिम बंगाल में गठबंधन नहीं चाहती क्योंकि उन्हें समस्याएं होंगी। उन्होंने ही गठबंधन की संभावना को खत्म कर दिया है। अगर आप उनके भाषण सुनेंगे तो पाएंगे कि वह यहां गठबंधन नहीं चाहती। बता दें कि कांग्रेस नेता की यह टिप्पणी ममता बनर्जी की ओर से दिए गए उस संकेत के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया ब्लॉक का गठन केवल राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी से मुकाबला करने के लिए किया गया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ही बीजेपी से लड़ेगी जबकि इंडिया ब्लॉक देश के बाकी हिस्सों में होगा। केवल टीएमसी ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मात दे सकती है और पूरे देश में दूसरों के लिए एक मॉडल स्थापित कर सकती है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि पार्टी अपनी चुनावी तैयारियों के साथ आगे बढ़ रही है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन हमारे साथ आ रहा है या हमें छोड़कर जा रहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर खींचतान जारी है। इस बीच टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक उन्होंने आज 31 दिसंबर को कांग्रेस और टीएमसी के बीच बड़ा अंतर बताते हुए सीट बंटवारे के सवाल पर कहा कि अभी हमारे पास इसको लेकर कोई लेटेस्ट जानकारी नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया को टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी देख रही हैं। वह ही अंतिम निर्णय लेंगी और सही समय पर सूचित करेंगी। घोष ने आगे कहा कि दिल्ली कांग्रेस और बंगाल कांग्रेस के रुख में अंतर स्पष्ट है। दिल्ली कांग्रेस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी टीएमसी के साथ कॉपरेट कर इंडिया अलायंस को ठोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बंगाल में कांग्रेस की इकाई बीजेपी के दलाल की भूमिका निभाती है क्योंकि 2021 के चुनाव में टीएमसी बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ रही थी, लेकिन कांग्रेस ने CPM के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और वोटों का ध्रुवीकरण किया था। इन चुनाव में उसको जीरो हासिल हुआ और इससे सिर्फ बीजेपी को ही फायदा पहुंचाने का काम किया गया था। संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मामले से चर्चा में आए बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के भाई विक्रम सिम्हा को कर्नाटक में पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। वन कानून के तहत संरक्षित 126 पेड़ों को बिना अनुमति कटवाने और उसे बाहर भेजने के आरोप में विक्रम सिम्हा को गिरफ्तार किया गया है। वह मामले को लेकर बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर निशाना साधा है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रताप सिम्हा ने कहा कि अपने बेटे यतीन्द्र को मैसूर से लोकसभा चुनाव लड़ाने और जिताने के लिए सिद्धरमैया बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। वे अपने बेटे को जिताने के लिए दूसरों को निशाना बना रहे हैं। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि लोगों को सिद्धरमैया से सीखना चाहिए। आप एक बेहतरीन पिता हैं। आप जैसा पिता हर किसी को नहीं मिलेगा। अपने बेटे को जिताने के लिए आप इतना संघर्ष कर रहे हैं कि प्रताप सिम्हा आपके रास्ते की बाधा बन गए हैं। बता दें कि प्रताप सिम्हा मैसूर कोडगु सीट से बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं। CBI ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति मामले के संबंध में केरल के जय हिंद चैनल को एक नोटिस जारी किया है। CBI ने चैनल को जारी किए नोटिस में कांग्रेस नेता की ओर से चैनल में किए गए निवेश की जानकारियां मांगी हैं। DC शिवकुमार के खिलाफ मामले की जांच कर रही CBI की बेंगलुरु इकाई ने जय हिंद कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को 11 जनवरी 2024 को जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने और जांच अधिकारी की ओर से मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज पेश करने को कहा है। कर्नाटक में जय हिंद चैनल पर की गई CBI की कार्रवाई को लेकर चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि उन्हें CBI का नोटिस मिला है और वह एजेंसी को सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि CBI की कार्रवाई साफ तौर पर केंद्र में बीजेपी नीत सरकार के राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। नए साल के मौके पर अपने फैंस को हैरान करते हुए ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर डेविड वार्नर ने टेस्ट के बाद अब वनडे से भी संन्यास का ऐलान कर दिया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वह 2025 में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में खेल सकते हैं। बता दें कि वार्नर टेस्ट क्रिकेट से पहले ही संन्यास का ऐलान कर चुके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सिडनी में 3 जनवरी से होने वाले टेस्ट मैच में खेलने के बाद वह इस फॉर्मेट को अलविदा कह देंगे और अब इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि टेस्ट के साथ उसी दिन वह वनडे से भी संन्यास ले लेंगे। उन्होंने सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड में संवाददाताओं से कहा कि मैं निश्चित रूप से वनडे क्रिकेट से भी संन्यास ले रहा हूं और उनके संन्यास लेने से वनडे टीम को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में परेड के दौरान निकलने वाली अलग अलग राज्यों
और मंत्रालयों की झांकियों को लेकर पश्चिम बंगाल और पंजाब ने उनकी झांकियों के साथ कथित तौर पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। हालांकि इस मामले को लेकर रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस की थीम के तहत व्यापक विषय को दिखाने में नाकाम रहने के कारण इन दोनों राज्यों की झांकियों को परेड का हिस्सा नहीं बनाया गया। सूत्रों ने कहा कि विशेषज्ञ समिति ने पहले तीन दौर की बैठकों में पंजाब की झांकी के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद ही अंतिम फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि पंजाब की झांकी व्यापक विषयों के साथ तालमेल वाली नहीं थी, इस कारण विशेषज्ञ समिति तीसरे दौर की बैठक के बाद इस पर आगे विचार नहीं कर सकी। वहीं पश्चिम बंगाल की झांकी को भी 2024 की गणतंत्र दिवस परेड में नहीं चुने जाने का कारण यही बताया गया है। सूत्रों ने बताया कि बंगाल की झांकी पर अंतिम फैसला दो दौर की बैठकों में ही हो गया था। इसराइल और हमास में जारी युद्ध के बीच इसराइली कैबिनेट में फेरबदल हुआ है। इसराइली सरकार ने विदेश मंत्री एली कोहेन की जगह पर एक नए विदेश मंत्री की नियुक्ति को मंजूरी दी है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि एली कोहेन सुरक्षा कैबिनेट के सदस्य के रूप में काम करना जारी रखेंगे, जबकि इसराइल कार्ट्स विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली कैबिनेट में ये फेरबदल पूर्व निर्धारित मंत्री स्तरीय रोटेशन के आधार पर किया गया है। इसके अलावा इसराइली सरकार ने संसदीय अनुमोदन के अधीन फरवरी में होने वाले स्थगित नगरपालिका चुनावों को भी हरी झंडी दे दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि हम आम तौर पर युद्ध के समय चुनाव नहीं कराते हैं, लेकिन ये चुनाव पहले से निर्धारित किए गए हैं और उन्हें पहले ही एक बार स्थगित किया जा चुका है। स्टॉक मार्केट आज सोमवार 1 जनवरी नए साल के मौके पर नेगेटिव नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 21,700 के लेवल पर आ गया है, तो वहीं सेंसेक्स सौंक फिसलकर 72,100 के पास ट्रेड कर रहा है। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को सेंसेक्स 170 अंक गिरकर 72,240 पर बंद हुआ था। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी भी 111 अंक फिसलकर 48,181 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।